सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। सत साहेब, क्या शुभ नाम है सर आपका? राजेंद्र दास। राजेंद्र दास जी, कहाँ से आए आप? राजस्थान, जिला तहसील झुंझुनू, समस्तपुर। सर क्या काम करते हैं आप? आर्मी से रिटायर हूँ, जीवन बीमा का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं रोनीचा स्थित बाबा रामदेव जी महाराज की भक्ति करता था और हरियाणा जिला हिसार के ही हमारे महाराज जी थे। हमारे गांव के पास में उन्होंने आके मंदिर बनाया, आश्रम बनाया। मैं और मेरे 5-6 मित्र वहीं सेवा करते थे। भगत राजू राम जी शर्मा थे, आर्यनगर जिला हिसार हरियाणा के, और वो ही बाबा रामदेव जी महाराज के पुजारी थे। उन्होंने हमारे को सबको इकट्ठा करके, एकत्रित करके, चंदा करके मंदिर बनवाया हमारे ही धरती पर, और फिर उन्होंने साधना बताई। वो साधना हम सभी लोग करते थे। लगभग हमारी संख्या 100-125 के आसपास थी जो उस साधना में लगे रहते थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो साधना करते थे उससे आपको क्या लाभ मिला? बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ जी, आर्थिक और शारीरिक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हम सभी लोग अत्यधिक दुखी थे और दुखी हो गए, क्योंकि उस साधना के अंदर सिवाय जहरीली साधना की कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी साधना में अनिवार्य कर रखा था कि हुक्का पीना अर्थात धूम्रपान करना एवं चाय का अत्यधिक सेवन करना, पूरी रात्रि जागना, 3:30 बजे सवेरे से पहले कोई भी सेवक भगत सो नहीं सकता था, वो पूरी रात जागते थे और हमें भी 4-5 की बारी 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 उनकी ड्यूटी में रहना पड़ता था और वो साधना निराधार थी, हम बहुत दुखी थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हरियाणा जिला हिसार में मेरे मित्र है संजय सिंह बिश्नोई और खानक के सरदार पूरण सिंह जी, उन्होंने मेरे से 2 महीने पहले ही सतगुरु जी रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था। उन्होंने उस साधना के बारे में मेरे को सिर्फ फोन पर बताया तो मैं इतना दुखी था कि हरियाणा का तो नाम मत लेना और हिसार का विशेष कर मत लेना, हरियाणा के किसी भी बाबा जी पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। उन्होंने कहा आप एक बार आइए देखिए। मैं नहीं माना जी, 2-3 महीने वो सारी बातचीत मेरे साथ फोन पर करते रहे। काफी लंबी लंबी बातें हमारी फोन पर होती थी, ज्ञान चर्चा भी किया करते थे। उन्होंने मेरे पास में ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक भेजी जिसे मैं नहीं पढ़ सका। मैं सच बोला, पुस्तक मैंने रख दी। उन्होंने कहा कि साधना चैनल पर हमारे गुरुजी का सत्संग आ रहा है, वो तो देख लो। मैंने ऑन किया, सत्संग सुना, सच्चा ज्ञान सुना। उसके बाद में 15 दिन तक लगातार मैं सत्संग सुनता रहा। 16वें दिन में सीधा बरवाड़ा आश्रम उनके साथ लेके हिसार गया और बरवाड़ा आश्रम में जाके सतगुरु जी रामपाल जी महाराज के शरण गया और नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले तो मैं विभिन्न प्रकार के जो नशा करता था, 3 साल जो नशे की लत मुझे लग गई थी, उससे मेरा परिवार बहुत दुखी था और मेरा वैवाहिक जीवन भी टूटने के कगार पर था। परिवार रिश्तेदार मुझसे बहुत दुखी थे। मैं जो कर रहा था वो एक निराधार पाप था और गलत था। मेरे बच्चे बहुत परेशान थे, उनकी पढ़ाई बाधित होती थी और मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था। वहां जाने के बाद में मेरे सभी प्रकार के नशे, इवन धूम्रपान जो मैं अत्यधिक तौर पर करने लग गया था, और 1 साल के अंदर मेरे शरीर का 12 किलो वजन कमजोर हो गया था। मैं इतना शरीर दुबला पतला हो गया था कि दोस्तों रिश्तेदारों ने पहचानना भी बंद कर दिया था। वो लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे बच्चों की शिक्षा सही दिशा में चली और मेरे बड़े बेटे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी। इससे परिवार में जो अनबन थी वो समाप्त होगी और मेरा गृहस्थी जीवन सही तरीके पर चलने लग गया जी। आर्थिक दबाव भी काफी आ गया था, कुछ गलत फैसलों की वजह से, कुछ गलत व्यवसाय की वजह से। एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ मेरा काफी लाखों का लेन देन था, वो उस चीज को नकार चुके थे। उसके बाद में मैं अपनी भक्ति मार्ग पर लगा रहा। उसने मुझे कुछ चेक दे रखे थे,
वो चेक मैंने बाउंस ना करवा के उसके घर जाके उसके पिताजी के सामने उसके वापस कर दिए कि भैया अगर तेरा मन माने तेरी इच्छा हो तो मेरा पैसा दे देना, नहीं मैं तेरे पास किसी प्रकार की कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं करना चाहता। उसने उस समय तो मना कर दिया लेकिन 6 महीने बाद में खुद ही वो मेरे घर पे आया और मेरा पूरा पैसा उसने वापस लौटाया। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा मूल धन जो तुझे दिया वो वापस कर दे, मैं ब्याज नहीं लूंगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बन चुका हूं, उनमें एक कुरुति में शामिल होता है, मुझे मेरा मूल धन वापिस कर दे। उसने राजी राजी मेरा मूल धन किया और उसके बाद में ज्ञान गंगा पुस्तक मुझसे लेके गया। आज वो इसी संगत में बैठा, मेरे साथ है, मेरा सहयोगी है और अपनी सत भक्ति कर रहा है। जिस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि इतना हम राजस्थान के धरती पर जितने भी देवी देवताओं के स्थान हैं, लगभग मैं हर जगह घूम लिया, इतना ज्यादा घुमा कि मैं सोच भी नहीं सकता। लगभग हमारा 30 दिन में 25 दिन यात्रा में गुजरता था, इससे हमारा समय और धन दोनों ही बर्बाद होते थे और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता था। अब अपने घर के काम करते हैं, मेरी जो जिम्मेदारी है उनका निर्वह करता हूँ और राजी खुशी अपने परिवार में अपनी भक्ति का सत्मार्ग करता हूँ। जितनी भी कुरुतियां थी उनको त्याग चुका हूँ, इवन मेरा परिवार भी इन चीजों को छोड़ चुका है और अपना सत्मार्ग सच्ची साधना करता आ रहा हूँ जी। सर, राजस्थान में भी हजारों लाखों धर्मगुरु हैं, उन सबको छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? बिल्कुल जी, पूर्णतया साफ है, असली और नकली की पहचान करने टाइम नहीं लगता। आपके चैनल के माध्यम से मैंने सत्संग सुना, उसके बाद में पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, जो कि जिसे हम कहें कि एक ज्ञान का परमाणु बम जैसा है, एक बार जीव पढ़ेगा तो पूरी साधना सवत ही प्रमाणित हो जाएगी। जो सत्संग मेरे गुरुजी आपके चैनल के माध्यम से सुना रहे हैं और जो पहले मैंने सुना था शिष्य बनने से पहले, वो पूर्णतया एक एक शब्द प्रमाणित और गारंटी के साथ पूर्णतया सच्चा था और जिसको अपनाने के बाद मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। साफ साफ आसान भक्ति है, आसान साधना है। किसी भी जॉब को कर रहे हो, आप किसान हो, मजदूर हो, इवन एक ड्राइवर हो, दुकानदार हो, किसी भी जॉब को आप फॉलो कर रहे हो, इसमें दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत ही सरल, आसान और पवित्र सच्ची साधना है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है जी। इसलिए मैंने अपने गुरुजी के ज्ञान को अपनाया और उसी को फॉलो कर रहा हूँ, करता रहूंगा जी। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? बिल्कुल एक तरह का गर्व महसूस होता था कि मैं एक झूठ को त्याग करके सच के रास्ते पर जा रहा हूँ। खुशी खुशी में जाता था, खुशी खुशी में वापिस आता था, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। वहां का मैनेजमेंट रियली सुपर, कोई दिक्कत नहीं जी। हर प्रकार की श्रेणी के लिए हर जगह अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन यहाँ सभी एक है। परमात्मा के सच्चे दरबार के अंदर सच्चे भगत एक है, उनको अलग अलग कैटेगरी बनाने की वो जरूरत नहीं है। सबके लिए एक धर्म है, किसी के लिए छुआछूत नहीं है। कुरीति को छुड़ाना, कुरीति को त्यागना, कुरीति के बारे में बोलना अलग अलग सब्जेक्ट है। उनको इम्प्लीमेंट करना, उनकी पालना करना और अपने ज्ञान की शक्ति से उसकी पालना करवाना भी अलग है, जो सिर्फ मेरे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के पास ही है और किसी के पास नहीं है। है तो वो सामने आए, उनके लिए चैलेंज है। सर, सुनने में आता है कि सतलोक आश्रम में नाम दीक्षा के लिए पैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट कर देता हूं कि इसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई वहां नहीं की जाती। ये पूर्णतया निशुल्क है, पूर्णतया निशुल्क है, इसमें कोई भी लिपापोती नहीं है, क्योंकि दास आपके सामने प्रमाण के तौर पर है और इसके मेरे लाखों भगत भाई बहन इसके प्रमाण है। वहां पर जो व्यवस्था की जाती है, नाम दीक्षा दी जाती है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक ज्ञान से संबंधित पुस्तक दी जाती है, रहने सहने की व्यवस्था वह निःशुल्क है, पूर्णतया फ्री है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जा सकता, ये पूर्ण सत्य है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी, उसके लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास में दोनों ऑप्शन है। हमारे दादे परदादा, हमारे पूर्वज इस साधना को करते आ रहे हैं,
कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितना वर्ष बीत गया, फिर भी हम नहीं सुधरे। चलो कोई बात नहीं, अज्ञानता का कारण है, लेकिन साधना चैनल वो अज्ञानता का पर्दा हटा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि कुछ समय इस सच्चे ज्ञान को और प्रमाणित ज्ञान को देखें और अपनाएं। यही सत्य है, उस साधना को छोड़ें और इसको अपना के देखें आप। अगर आपको इसमें कोई झूठ लगे, कोई फरेब लगे, तो कृपया छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप इसको सुने और अपनाएं जरूर इसको। पूरा शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान है। सभी जीव संदास निवेदन करेगा कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, अपना कल्याण कराएं और नियमानुसार भक्ति करें और सच्ची साधना कर अपना मोक्ष कराएं। बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब।